हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज्वाला सिंह उसरेठे। मैं आपको सिक्स से लेकर टेन तक की क्लास यहाँ पर हम ऑनलाइन करेंगे, इसमें सिक्स से लेकर टेन तक की। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्लियर है? हम लोग आज क्लास सेवन्थ में देखते हैं, क्लास सेवन्थ मैथ्स लेसन नंबर वन, और लेसन नंबर वन की एक्सरसाइज 1.2 से हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, आपकी बुक आप निकाल लेंगे क्लास सेवन्थ की क्वेश्चन नंबर फोर, और उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द कोटिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें कोटिएंट इनका क्या बचता है एंडिंग में। जैसे कोटिएंट किसमें बचेगा, जब हम किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे उसी से हमको कोटिएंट प्राप्त होगा। कोटिएंट मतलब उसका, अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारा जो भागफल होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग उसको तोड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको उसका मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी निकलती है, उसी को कोटिएंट कहा जाता है। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों में किस तरीके से इसका कोटिएंट निकल सकता है। क्लियर है? तो सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पे, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट ए नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, इसमें लिखा हुआ है -15 डिवाइडेड बाय -1। तो यहाँ हमको डिवाइड करना है और डिवाइडेशन से ही हमको कोटिएंट मिलेगा। तो देखिए, हम लोग क्लास सेवन्थ में हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को क्लास थर्ड या फोर्थ की अगर हम बात करें, थर्ड या फोर्थ में अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, थर्ड या फोर्थ से क्या होगा कि इन क्वेश्चन को हमको पूरा डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मतलब किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, -15 है ना डिवाइडेड बाय -1 इस तरीके से। फॉर एग्जांपल वहाँ पर माइनस तो नहीं होता है, वहाँ प्लस वाली वैल्यू होती है, पर हम क्लास सेवन्थ में हैं और क्लास सेवन्थ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट को डायरेक्टली सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो हम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन के साइड में रफ वर्क भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस कॉपी में आप सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन, जहाँ भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जस्ट उसी के साइड में आप आपका रफ वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप इस क्वेश्चन का रिवाइज करो, इस क्वेश्चन को निकाल के देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहां से आई है। अगर आप रफ वर्क कहीं भी कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि भविष्य में आपको इसका रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे मैं ये -15 लिखा है, तो ये -15 डिवाइड यानी अपॉन में वैल्यू होती है। ठीक है, अपॉन वाली वैल्यू को हम पलटा के डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो -15 अपॉन -1 इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टार्टिंग में। और अगर हम वन के टेबल की बात करें, किसी भी, ये अगर हम न्यूमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, तो हमेशा डिनोमिनेटर का टेबल रीड किया जाता है। अगर हम वन का टेबल रीड करेंगे तो वन का टेबल हमको ऐसा रीड करना है कि या तो 15 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो वन का टेबल रीड करेंगे तो वन बन जा वन और 1 15 15, तो इनडायरेक्टली आएगा कितना, हमारा 15 ही आएगा। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर हमारी डायरेक्टली वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी डायरेक्ट 15, और यही रहेगा हमारा इसका कोटिएंट, क्योंकि हमने जब डिवाइड किए तो इसका कोटिएंट कितना आया हमारे पास 15, और इसी को हम दे सकते हैं आंसर के रूप में 15। क्लियर है? देखिए, हमने अभी क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट नंबर देखे थे, मतलब ए नंबर हमने सॉल्व किए थे। अब ए के बाद जस्ट हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का, क्वेश्चन नंबर फोर का एफ नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है -23 डिवाइडेड बाय -3, इन दोनों को हमको डिवाइड करना है, इससे कोटिएंट हमको लेके आना है। क्लियर है? तो देखिए, जैसे कि अभी हमने सॉल्व किए थे, रफ वर्क का यूज़ किए थे, अभी भी हम यहाँ पर रफ वर्क का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल साइड में क्वेश्चन के जस्ट साइड पर यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडेशन मतलब उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं -123 अपॉन -3। क्लियर है? इसको हमने लिख लिए, इसको डिवाइड करना है, तो हम इनको डायरेक्टली डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये 3 से डिवाइड करेंगे 123 को। तो अगर आप ये माइनस और माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिए, मैं आपको यहाँ पर अपॉन वाली वैल्यू को भी क्रॉस करना बता देता हूँ, और अगर जिसको ये समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन वाली भी आपको यहाँ पर हिंट कर दूंगा। जैसे आप देखिए, 3 1 जा 3, हम 3 का टेबल रीड कर रहे हैं। ठीक है, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग बस में, सबसे शुरू बस में अगर पहली संख्या डिवाइड नहीं होती तो हम दो संख्या को एक साथ ले लेंगे, 2 डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे, अगर 2 डिजिट भी एक साथ डिवाइड नहीं हो रही है तो हम 3 डिजिट को एक साथ कर लेंगे, पर कब, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड करना, सिर्फ तब। ठीक है, बीच में कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, यहां पर 1 तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 3 का टेबल अगर हम रीड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, तो पहले ही बड़ा हो जा रहा है, या तो हमको 3 चाहिए या उससे कम चाहिए। तो यहां हम दो संख्या ले लेते हैं, 1 2 12, तो 3 का टेबल रीड करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, अब यहां पर क्या बचा, अकेला 3 बचा,
तो 3 × 1 = 3 मतलब कितना आया 41। तो इनडायरेक्टली हमारा यहाँ डिवाइड करने में क्या जाएगा 41, और यहाँ पर हम इसी को क्या दे देंगे हमारा आंसर 41। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी बुक में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, है ना। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जाता है ये यहाँ पर हम समझेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन तो दिया गया है, उसमें आप बहुत सारी डिजिट देख सकते हो, बहुत सारी डिजिट के साथ में आप बहुत सारे सिम्बॉल भी एक साथ देख सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है कि अब मैं प्लस कर दूँ, माइनस कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ सबसे पहले, है ना। तो मैथमेटिक्स किसी भी चीज को सॉल्व करने का या किसी भी चीज को समझने का एक तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए आप कोई भी एक स्टूडेंट खड़े होइए और मेरे को नंबर्स बोल के बताइए नंबर्स, ठीक है। तो आप खड़े होंगे और क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक तरीका है। पर अगर कोई एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोल दे 1 8 7 15 20, तो ये भी नंबर्स ही हैं पर इनका एक सीक्वेंस नहीं है, तो ये हम गलत बोलेंगे कि नहीं ऐसे नंबर्स नहीं होते। पर नंबर तो ये हैं पर वो सही सीक्वेंस में नहीं है, सही क्रम में नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि पहले क्या सॉल्व होगा उसके बाद में क्या सॉल्व होगा, है ना। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज हिंट किया हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में हमको सिंप्लीफाई करना है और उसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाए कि हमको समझ में ना आए कि अब यहां करेंगे क्या, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, एक रूल्स होता है जिसको कहते हैं बोडमोस रूल्स। आप लोग यहां देख सकते हैं BODMAS, बोडमोस रूल्स, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं बी यहां सबसे पहले, ये बोडमोस एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था, उसने ये इन्वेंट किया था, क्लियर है। तो ये पूरी स्पेलिंग आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, BODMAS। बी यानी क्या होता है, ब्रेक इट, ब्रेक इट, क्लियर है। ओ यानी होता है ऑफ, डी यानी होता है डिवाइड, एम यानी होता है मल्टीप्लाई, ए यानी होता है एड और एस यानी होता है सब्ट्रैक्ट। ऐसे यानी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, क्लियर है। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पर ब्रेकेट तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बी यानी ब्रेकेट लिखा हुआ है। तो ब्रेकेट भी चार प्रकार के होते हैं, ब्रेकेट भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें तो ये होता है, ये एक सिंगल लाइन, अगर कोई भी डिजिट जैसे मान लो मैं लिख दूं 5 + 4 - 2 और मैंने 5 और 4 के ऊपर एक लाइन खींच दिया, ये लाइन, इसको बोलते हैं बार ब्रेकेट। क्या बोलते हैं, बार ब्रेकेट, क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे, बार ब्रेकेट, बार ब्रेकेट, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर का होता है ये वाला, ये जो लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रेकेट, स्मॉल ब्रेकेट। थर्ड नंबर का जो होता है ये होता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसको बनाने की टेक्निक मैं आपको बता दूं, एक बार सीधा एस फिर उल्टा एस, फिर ये उल्टा एस और ये सीधा एस, इसको कहते हैं कर्ली ब्रेकेट, कर्ली ब्रेकेट। और फोर्थ नंबर का जो ब्रेकेट होता है लास्ट में, ये होता है बिग ब्रेकेट, क्या होता है, बिग ब्रेकेट, क्लियर है। तो ये चार प्रकार के ब्रेकेट आपके सामने मैंने यहां पर बता दिया। तो बी यानी किसी भी क्वेश्चन में आप देख सकते हो अगर ब्रेकेट लगा हुआ है तो ब्रेकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रेकेट हम सॉल्व करेंगे, ये भी आता है ना। तो कहीं आपको इसमें बार ब्रेकेट दिख रहा है क्या, नहीं है, तो बार ब्रेकेट की कहानी खत्म। इसके बाद में आपको कहीं इसमें स्मॉल ब्रेकेट दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, अगर दिख रहा है जो कि यहां पर लगा हुआ है तो सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रेकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। तो हम इस ब्रेकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी के डिजिट जैसे के वैसी एज इट इज, तो ये बिग ब्रेकेट एज इट इज, फिर हम इनको सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसमें भी माइनस भी है प्लस भी है, तो पहले माइनस करूं या पहले प्लस करूं, तो उसके लिए सीक्वेंस है बी ओ डी एम ए एस, एम यानी मल्टीप्लाई, ए यानी ऐड और एस यानी सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट से पहले क्या करना है हमको, ऐड करना है, प्लस करना है, क्लियर है। तो अब आप देखिए प्लस करने के मतलब इन दो संख्या के बीच में प्लस का सिंबल लगा है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो माइनस और प्लस, ये माइनस में है प्लस में है, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 तो बचेगा, पर दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 है, और हमेशा सिंबल आता है बिग डिजिट के सामने का, तो यहाँ बड़ी डिजिट 8 है, तो इसलिए यहाँ पर काय का सिंबल आएगा 4, जो कि लगाने की हमको जरूरत नहीं होती है। अगर किसी भी डिजिट के सामने कोई सिंबल नहीं है तो हमेशा काय का सिंबल होता है, प्लस का सिंबल होता है, क्लियर है। चार चीजें जो एक वैल्यू के साथ हमेशा होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए कोई वैल्यू है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है, और इसके सामने कोई सिंबल नहीं है मतलब काय का सिंबल है, प्लस का सिंबल
कॉल है, क्लियर है। ये चीज़ें होती नहीं है, दिखती नहीं है, पर एक वैल्यू के साथ में हमेशा उपस्थित रहती है। जैसे ये कमरा है, ये कमरे में ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्सीजन है तभी तो मैं जिंदा हूँ, आप लोग भी जिंदा हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। पर किसी को दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, पर यह सत्य है कि इसमें ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से कोई भी एक डिजिट है तो उसके साथ ये चार चीजें हमेशा रहती है, आप लोग को ये याद रखना है, क्लियर है। इसके आगे देखते हैं अब, तो ये प्लस फोर आ गया हमारे पास। प्लस फोर के बाद में आप देख सकते हैं ये माइनस थ्री एज इट इज, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री ब्रेकेट क्लोज। आगे सॉल्व करेंगे इसको, बिग ब्रेकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो 4 माइनस थ्री तो क्या बचेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करना है, तो यहां पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पहले प्लस से, देखिए पहले सिंबल का मल्टीप्लाई होगा बाद में डिजिट का होगा, पहले सिंबल को सॉल्व करेंगे हमेशा, क्योंकि डिजिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल। सिंबल के बेसिस पे ही पूरी मैथमेटिक्स टिकी है, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। यहां पर 1 प्लस में है तो प्लस और माइनस माइनस, 1 3 जा 3, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहां पर, प्लस और माइनस माइनस, 1 3 जा 3, और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट भी हटा देंगे और इसका फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3। क्लियर है? ओके ठीक है बच्चों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओके थैंक यू।